हेलो फ्रेंड्स, रेकी एक जो कि एक नेचुरल एनर्जी मेडिसिन है, वो आपको कई मायने में आपको हेल्पफुल हो सकती है। खास करके आज हम बात करेंगे उसके साथ ऐसे मेजर बेनिफिट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेकी अगर आपने सीखी है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपके मन शरीर को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए। तो हम जानते हैं उसके ऐसे सात ऐसे मेजर बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेकी इंक्रीजिज अवर एनर्जी। हमारा शरीर मन, हमारा मनोमय शरीर, प्राण शरीर, वो सब एक एनर्जी से बना है। हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, खास करके हमारा सूक्ष्म शरीर जो एनर्जी से बना है, अगर हमारे सूक्ष्म शरीर में एनर्जी का जो वहन हो रहा है वो जितना ही हेल्दी है, जितना ही हार्मोनाइज है, उतना ही हम हेल्दी रह सकते हैं। तो रेकी हमारे शरीर की एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, हमारे जो हमारी वाइटलिटी जिसे हम बोलते हैं, हमारी डिफेंसिव सिस्टम जो है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारा वाइटल फोर्स है, वो सब एक ही है, हमारी प्राण शक्ति है, चेतना शक्ति है, उसको वो इंक्रीज़ करती है ताकि हम डिजीज़ फ्री रह सकें। दूसरा बेनिफिट है, रेकी इज़ द बेस्ट टूल फॉर रिलैक्सेशन एंड रिलीविंग टेंशन एंड स्ट्रेस। यस, रेकी खास करके जिसको भी स्ट्रेस रहता है, आजकल तो बहुत ही स्ट्रेस सब जगह पे फैला हुआ है, कोई रीज़न हो या ना हो, इतना कम्पिटिटिव युग आ गया है कि हम सतत एक प्रकार के स्ट्रेस में ही रहते हैं। तो रेकी इस तरीके से जो भी स्ट्रेस है मन शरीर का, उसको डाइल्यूट करती है और इसी तरीके से हमारी फ्री एनर्जी को बढ़ाती है। तीसरा बेनिफिट है, रेकी कैन रिलीज इमोशनल मेंटल टॉक्सिन्स। यस, बहुत सारे आपको पता होगा या आपने देखा होगा, आपने चाहे फील किया होगा, आपने अनुभव किया होगा कि अगर बहुत सारे ऐसे घटनाएं, बहुत सारे पास के एक्सपीरियंसेस, या तो कोई ऐसी प्रेजेंट कंडीशन, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, उसकी बात अगर हमारे मन पे अड़ गई है, हमारे मन को टच हो गई है, तो वो हमारे मन के अंदर एक एक इंग्रेडिएंट तरीके से रह जाती है, उसके एक प्रकार का एक नेगेटिव टॉक्सिन्स के तरीके से हमारे शरीर में वो बात, हमारे मन में वो बात कहीं ना कहीं रह जाती है, जिसे हम आसानी से छुटकारा नहीं दिला सकते अपने आप से, राइट। तो रेकी ऐसे पास्ट या तो ओल्ड ऐसी इवेंट्स में से आए मेंटल इमोशनल टॉक्सिन्स जो है, जो नेगेटिविटीज़ है, उसको वो रिलीज़ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप नियमित रेकी करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे आपकी मन की घटनाएं जिसको आपने जकड़ के रखा है, आपने होल्ड करके रखा है अपने आप, उसको वो रिलीज़ करेगी। जितनी ये सब नेगेटिविटीज़ आपके शरीर मन में से जाएगी, उतना ही आपकी जो खुद की फ्री एनर्जी है वो ज़्यादा फ्री हो पाएगी, ताकि उसको आप बहुत सारे प्रो क्रिएटिव अपने अलग अलग काम में उसको आप यूटिलाइज़ कर पाओ, और उतना ही आप शरीर शारीरिक है, मेंटल है, और ओवरऑल ग्रोथ कर पाओगे, राइट। तो रेकी इज़ बेस्ट मेडिसिन इन दैट वे ऑल्सो। और एक बेनिफिट है, रेकी कैन जनरेट अ पीस फ्रॉम विद इन। यस, कोई भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिस्थिति है। अगर हम मन और शरीर से एक पीसफुल कंडीशन में हो, एक हारमोनी हमारे अंदर बनी रहे, तो वो पीस जो आपको चाहिए पर आप किसी भी तरीके से अटेन नहीं कर पा रहे हो, तो डेली रेकी प्रैक्टिस फॉर मंथ्स एंड मंथ्स अगर आप करते रहते हो तो वो पीस आपके अंदर भी जनरेट हो पाएगा। तो इट कैन बी अ बेस्ट टूल फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल बाय जनरेटिंग पीस एंड हार्मनी फ्रॉम विद इन। और एक बेनिफिट है, रेकी ट्रीट्स फ्रॉम द रूट्स। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। जनरली हमको पता है, ऐसा लगता है कि रेकी सिम्टम पे असर करेगी, या तो मन पे असर करेगी, या तो दोनों पे करेगी, नहीं करेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप सबके मन में भी रहते होंगे। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि रेकी हमारे कोई भी डिस्टर्बेंस के जो सिम्टम्स आते हैं वो तो लोकल होते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे कोई स्किन कंडीशन है, चाहे सोरियासिस है, चाहे कोई डिप्रेशन है, कोई भी कंडीशन ले ली, वो जब होती है, जब कोई भी तकलीफ होती है, वो तो हमारे एनर्जी डिस्टर्बेंस के अंदर हुआ डिस्टर्बेंस के काफ़ी टाइम बाद होती है। हमको जब पता चलता है कि हमको लीवर में कुछ डैमेज है, उसके काफ़ी टाइम पहले हमारे अंदर वो एनर्जी का डिस्टर्बेंस हो चुका होता है। तो रेकी ये जो सिम्टम है कोई डिजीज़ के, कोई भी डिजीज़ ले लो आप, उसके सिम्टम्स पे भी असर करती है, उसके सिम्टम को डायल्यूट करती है, सिम्टम्स में हमको काफ़ी रिलीफ रहता है, सिम्टम्स हो या साइंस हो। उसके साथ साथ
हमारे अंदर जो डिजीज़ की एक प्रोसेस कायम बनी रही है, वो डिस्टर्बेंस है हमारा मनोमय शरीर का, हमारे प्राण शरीर का, चाहे हमारी थिंकिंग प्रोसेस में कोई डिफरेंस है, चाहे हम कोई फियर से घिरे हुए हैं, चाहे हमें इनसिक्योरिटी है, चाहे हम हेट्रेड फील करते हैं, चाहे हम बीइंग निग्लेक्टेड फील करते हैं, फॉरसेकन फील करते हैं, चाहे किसी चीज़ से हमको एकदम घृणा है, चाहे अपने आप के लिए हमको कुछ गिल्ट है, कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस ले लो, वो हर एक इमोशनल डिस्टर्बेंस हमारे अंदर फिजिकल डिस्टर्बेंस के लिए कारणभूत है। तो रेकी फिजिकल प्लेन के ऊपर जो भी हमारे सिम्टम्स है उसको तो रिलीव करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ ये सब फिजिकल डिस्टर्बेंस के जो रीजनिंग्स है, जो हमारे मन में है, हमारे अंदर जो ब्लॉक की तरह रह गए हैं, उस सबको वो रिलीज़ करेगी, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी। इस तरीके से फिजिकल प्लेन पे, मेंटल इमोशनल प्लेन पे, दोनों प्लेन पे रेकी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है और हमको ओवरऑल हेल्दी बनाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, मुझे आपको शेयर करना ही था। और एक बेनिफिट है कि रेकी हमारे अंदर जो भी डिस्टर्बेंस है उसके प्रति एक जागरूकता, एक अवेयरनेस क्रिएट करती है। वो कैसे करती है मैं आपको समझा दूँ। खास करके कोई भी तरीके से, कोई भी लेवल पे हमारा डिस्टर्बेंस होता है उसके प्रति हमारी अवेयरनेस नहीं होती, चाहे वो मन हो या शरीर हो। तो रेकी करने के बाद, रेकी जब आप करते रहोगे प्रैक्टिस, उसके दौरान आपको खुद को पता चलेगा कि अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक प्लेन पे भी हो सकते हैं, मन के भी हो सकते हैं। खास करके मैंने भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी ये बात पाई है, बहुत लोगों ने मेरे साथ भी ये शेयर किया है कि रेकी की प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के बाद हमारे खुद के ही ऐसे ब्लॉक्स जो कभी हमारे सरफेस पे नहीं आए हैं, जो कभी हमने कभी उसको कॉन्शियसली देखा ही नहीं कि हमारे में ये कारण से एंगर ट्रिगर होता है, हमारे में ये कारण से एक डर बना रहता है, या तो हमारे में ये कारण से हमारे खुद के लिए, किसी और के लिए हमको बहुत गिल्ट से हम पीड़ित हैं। तो ये सारे डिस्टर्बेंस है, उसका फिजिकल कनेक्शन तो है ही, बट ये डिस्टर्बेंस, ये मन के जो भी डिस्टर्बेंस है, अगर हमारे अंदर है तो कभी हमने उसको अंदर से रियलाइज़ नहीं किया है, कभी हमने उसके प्रति ध्यान नहीं दिया है। हमको पता होगा कहीं ना कहीं कि हमारे अंदर ये बात है, बट हमको ये नहीं पता कि हमारे अंदर छिपी यही बात, यही डिस्टर्बेंस हमारे लिए बहुत बड़ी नेगेटिविटी के प्रति वो दौड़ सकती है हमारे फ्यूचर के लिए। तो ये सभी बात, सभी चीज़ें, सभी ऐसी हमारी आदतें, सभी ऐसी हमारी नेगेटिविटी के प्रति रेकी एक अवेयरनेस क्रिएट करती है। सो एक बार यू नो, एक अवेयरनेस इज़ अ क्योर। एक बार हमको खुद को पता चल गया कि हमारे अंदर ये सब नेगेटिविटी है, हमारे अंदर ये सारी हैबिट ऐसी है, जिसको हम चेंज करेंगे तो हमारी ओवरऑल हेल्थ बरकरार रख पाएंगे हम। तो ये बात के प्रति अगर हमारी एक अवेयरनेस क्रिएट होगी तो हम बहुत सारे तरीकों में एक प्रकार का ग्रोथ पा पाएंगे, मन का, शरीर का, और ओवरऑल और स्पिरिचुअल एज वेल। तो रेकी ये जागरूकता को क्रिएट करेगी, एक ये बेनिफिट हुआ। उसके अलावा एक लास्ट बेनिफिट है जो भी इम्पोर्टेंट है, कि रेकी कैन जनरेट प्रो क्रिएटिविटी, रेकी कैन जनरेट क्रिएटिविटी। सो ये एक बहुत ही लास्ट बेनिफिट है जो आपको बताना चाहिए मुझे, कि जितना हम मन शरीर से जितना हेल्दी हो पाएंगे, ये सारे 6 बेनिफिट हमने पहले देखे, जितने हम जल्दी ये 6 बेनिफिट अचीव कर पाएंगे, उतने ही हमारी फ्री एनर्जी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ सृजनात्मक कुछ करने के लिए हमको मोटिवेट कर पाएंगे उतना ही। तो रेकी कैन जनरेट दैट ऑल्सो। सो ये सारे 7 बेनिफिट्स हो गए रेकी के। मेरा आपसे यही एक अनुरोध है, अगर आपने रेकी सीख ली है तो जस्ट डेली बेसिस पे रेकी को प्रैक्टिस करते ही जाइए, करते ही जाइए, आपको हर एक बेनिफिट्स आपको अचीव होते जाएंगे और आप मन शरीर से एक स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। तो मेरा यही एक अनुरोध है, डेली रेकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।